हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अभी तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी दीदी गई? दीदी तो अभी नहीं गई है, पर चली जाएगी। अच्छा, और हमारा प्लान तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? हाँ हाँ बाबा, मुझे पता है हमें कर सकते हैं। लेकिन एक बात बोलूँ, मुझे ना बहुत डर भी लग रहा है। मैं कल पूरी रात से यही सोच रही थी कि अगर हम भाग गए और कहीं तुमने मुझे धोखा दे दिया तो। बेबी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, और ये सपने वपने पे ना ज्यादा यकीन मत किया करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद देखना, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। सच में? और जब हमारी शादी हो जाएगी तो दीदी भी बाद में मान जाएगी ना? सब मान जाएंगे ना? अरे तुम्हारी दीदी, तुम्हारे मम्मी पापा सब मान जाएंगे। बस एक बात का डर लगता है बार बार। किस चीज का? तुम मुझे पक्का प्यार करते हो ना? वो जैसा मूवी में होता है ना, धोखा दे देते हैं, बस बार बार वो ख्याल आ रहा है। अरे बेबी, वो मूवीज है और ये रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। और मेरे लिए ना सबसे ज्यादा मैटर तुम करती हो, और तुम्हारे सिवा ना मेरा है भी नहीं कोई। अच्छा वो मैंने तुम्हें बोला था ना कि कुछ कैश ज्वेलरी जब हम भागेंगे तो जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ मैंने सब कुछ रख लिया है। और तुम्हें पता है, मैंने ये भी पता कर लिया कि दीदी की ज्वेलरीज कहाँ रखी है, और मैंने ना वो निकाल के अपने पास भी रख ली। बहुत बहुत बढ़िया बेबी। बेबी अब ना मेरा तुम्हारे बिना ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं क्या सोच रहा हूँ, हम आज के आज भाग लें क्या? पर आज के आज कैसे पॉसिबल है? और हमने तो बात का प्लान किया था ना, अचानक से कैसे? बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, जैसे तुम्हारी दीदी जाएगी ना, तुम मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, इतने में एक काम करता हूँ, जाके ना टिकट का बंदोबस्त कर लेता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन करण एक बात बताओ, अगर दीदी जल्दी आ गई या ऐसा कुछ भी हुआ तो बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करना, जैसे तुम्हारी दीदी जाए ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं फटाफट तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। और तुम इतने पैकिंग वैकिंग करके बिल्कुल रेडी रहना, मैं तुम्हें लूंगा और चल देंगे। हाँ 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 ये ठीक है, चलो तुम जल्दी से आ जाना। जैसे दीदी जाएगी मैं तुम्हें फोन करती हूँ, ठीक है? सुनो, हम ना आज के आज ही जाके मंदिर में शादी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है करण। हाँ आई लव यू टू। बाय बाय। यस, अब करण की और मेरी शादी होगी, और जो जो हमने सारे सपने देखे थे वो सब कुछ पूरे हो जाएंगे। कितना खुश रहेंगे हम दोनों। एक काम करते हैं, जल्दी से सब पैक कर लेते हैं। ये क्या सुना मैंने? दिव्या का कोई बॉयफ्रेंड है और वो घर से भागने की बात कर रही है। मैं क्या सपने नहीं देखे थे इस लड़की को लेके? और कितनी भोली थी ये जब मैं इसे गांव से लेके आई थी। ठीक से बोलना नहीं आता था, ठीक से कपड़े पहनने नहीं आते थे, सब कुछ सिखाया इसे मैंने। और आज ये इतनी बड़ी हो गई है कि बॉयफ्रेंड बनाने चली है। हे भगवान, इस लड़की के दिमाग का मैं क्या करूं? और ये घर से सारा कैश सारी ज्वेलरी लेके भागने वाली है। इसको एक सेकंड ये सोचने में नहीं लगा कि इसके भागने के बाद मम्मी पापा का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, क्या वो दिखाएंगे वो लोग रिश्तेदारों में। हे भगवान, इस समय दिव्या से बात करना तो बेकार है, क्योंकि मैं चाहूँ ना तो अभी इसे दो चौंटे लगा के कमरे में बंद करके बिठा सकती हूँ। लेकिन मुझे इसके बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ना है। अभी मैं दिव्या से कुछ नहीं कहती, मुझे इसके बॉयफ्रेंड को पकड़ना है। दिव्या? जी दीदी। तू स्कूल नहीं गई अब तक? लेट हो रही है तू? दीदी वो मेरी फ्रेंड आने वाली है, उसके साथ चल रही हूँ। जा रही हूँ, चल मैं छोड़ देती हूँ तुझे। वो आप नहीं जानते उसको, लेकिन मेरी नई फ्रेंड बनी है तो वो पास में रहती है, हमने कहा कि हम साथ में जाएंगे। अरे कुछ तो नाम होगा तेरी फ्रेंड का। नहीं नहीं बनी ना, इसलिए नाम याद नहीं है। बहुत सारी बातें होती है, नाम बार बार यूज नहीं होता। देख दिव्या, नए दोस्तों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब पता नहीं वो किस टाइम आएगी, और तू बेकार में स्कूल के लिए लेट हो रही है। आ छोड़ती हूँ मैं। नहीं नहीं दीदी, मेरे को नहीं जाना, मतलब उसी के साथ जाऊंगी। दीदी उसको बोल दिया फिर बुरा लगेगा ना, कल चल जाऊंगी वापस। तू ठीक है ना? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेट हो जाएगा आने में, शायद रात भी हो जाए। चल भाई। भाई बच्चे
दीदी को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं 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 हुआ। एक काम करती हूँ, करण को फोन कर देती हूँ। चलिए दीदी। हेलो। हाँ दीदी। दीदी चली गई, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है मैं 15 मिनट में पहुँचता हूँ। 15 मिनट? चलो ठीक है, कोशिश करना जल्दी आना, ठीक है? मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है। हाँ हाँ मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। तुम एक काम करो, इतने सामान रेडी करो, ठीक है? मैं पहुँचता हूँ। ठीक। ये लगा मेरा जैकपॉट, मुझे सारा माल अंदर और ये बाहर। दिव्या। हाँ? सब पैकिंग कर ली ना? हाँ। कैश रख लिया? ज्वेलरी? हाँ पापा सब रख लिया। ट्रेन की टिकट हो गई? हाँ सब हो गया, चलो। अच्छा मुझे ना बहुत डर लग रहा है, दीदी का क्या होगा और हमारे जाने का मम्मी पापा ने कुछ मतलब क्या रिएक्ट करेंगे? अरे यार तुम फिर शुरू हो गई, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और एक बार हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद हम सबको मना लेंगे, मैं खुद सॉरी बोलूंगा मम्मी पापा से। पक्का? हाँ। अच्छा एक और चीज पूछनी थी, हम यहाँ से जाने के बाद मतलब साथ में घूमेंगे भी ना, मुझे घुमाने ले जाओगे ना? हाँ मैं तुम्हें ना पूरी दुनिया दिखाऊंगा, सबसे पहले हम जाके मंदिर में शादी करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें सबसे पहले जम्मू कश्मीर लेके जाऊंगा। हाँ और उसके बाद? उसके बाद मनाली। वाओ। और उसके बाद गोवा चलेंगे। सच में? हाँ। और गोवा जाने के लिए ड्रेसेस भी लेंगे बहुत सुंदर सुंदर। हाँ अब चलें। हाँ चल। जो तुम्हारी दीदी गई ना? हाँ दीदी गई, और टेंशन मत लो, उन्होंने कहा मैं रात तक आऊंगी। ठीक है चल। टिकट हो गई है या मैं लगा दूँगा? दीदी आप तो ऑफिस गए थे ना, रात को आने वाले थे, आप यहाँ क्या कर रही हो? मुझे देख के शॉक्ड हो गई। नहीं नहीं दीदी शॉक्ड क्यों होना है, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही थी। कहाँ जा रही है इस टाइम? हम दीदी हम बाहर जा रहे थे, ये मेरा फ्रेंड है, कोई नोट्स थे और ना कुछ फोटोकॉपी मंगाई थी स्कूल ने, वो करने जा रहे थे बस। तेरी तो फ्रेंड शीतल आने वाली थी ना, इस लड़के का नाम शीतल है क्या? नहीं नहीं दीदी शीतल आने वाली थी लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो मैंने इसको बुला के। बस कर, कितना झूठ बोलेगी? हाँ झूठ पे झूठ बोले ही जा रही है। कोई शीतल नहीं आने वाली थी, तुझे स्कूल जाना ही नहीं था क्योंकि तुझे घर से जो भागना था। दीदी ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं घर से थोड़ी भागने वाली थी और मैं क्यों भागूंगी घर से, ये और मैं सच में नोट्स के लिए जा रहे थे। बुक्स तो तुम्हारे हाथों में कहीं दिखाई नहीं दे रही, इस लड़के के हाथ में तो बस ये एक बैग है जिसमें घर का कैश और ज्वेलरी होगी, है ना दिव्या? दीदी आपको ये सब कैसे पता? और मतलब बहन हूं मैं और सब पता है कि तू क्या सोचती है, क्या करती है, क्या करना चाहती है। सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी ना तब मैंने खुद सुना था कि तू इस लड़के से बात कर रही थी और तूने सुबह ही प्लान बना लिया था कि तुझे घर से भागना है। हाँ और जिसके साथ तू भागने वाली है वो इतना रुखा है कि अपने पैसों पे तुझे रख भी नहीं सकता। दीदी करण भी तो पढ़ाई करता है ना और सच में वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने ये बोला था कि हम जब यहाँ से चले जाएंगे ना तो वो सब कुछ संभाल लेगा, बस इसलिए। दीदी संभाल लेगा? करण प्यार करता है इससे? ठीक है एक काम कर, अपने घर वालों से बात करा, तेरी मम्मी से बात करती हूँ मैं और शादी फिक्स कराती हूँ तेरी। अरे नहीं नहीं दीदी वो मम्मी से बात नहीं, मम्मी को अगर पता चलेगा तो मेरा सॉरी यार। पर करण ये क्या बोल रहे हो, तुम उससे प्यार करते हो, बोलो ना दीदी को, और तुम तो बोल रहे थे अभी शादी करेंगे हम सब कुछ, अभी इतने जल्दी कैसे बदल गए करण, तुम क्या बोल रहे हो? वो इसलिए बदल गया दिव्या क्योंकि यही उसकी सच्चाई है, लड़कियों को घुमाना फिराना उनसे पैसे निकलवाना और उसके बाद उन्हें मक्खी की तरह निकाल देना। नहीं नहीं दीदी आप ऐसा मत सोचो, करण बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और ये बस आपसे डर गया है इसलिए ऐसा बोल रहा है। करण दीदी को सच बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और कितना टाइम हो गया? अब वो कुछ नहीं बोलेगा, शक्ल देख उसकी, क्योंकि सच्चाई वही है जो मैंने बोला है। और तू
इतनी देर से खड़े खड़े तमाशा देख रहा है, नुमाइश चल रही है यहाँ दो बहनों की। दो मिनट से पहले यहाँ से निकल जा, वरना पुलिस से इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि तेरी सात पीढ़ियां भी उठ नहीं पाएंगी। निकल यहाँ से। दीदी दीदी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। और मैं आज के बाद ना कभी आपके घर के पास नहीं आऊंगा, और दिव्या से तो कभी जिंदगी में नहीं मिलूंगा। बस मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और ये बात ना किसी को मत बताना। और दिव्या आज के बाद ना तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, और तुम जानो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। करण कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम जाओ यार प्लीज। तो ये था दिव्या तुम्हारा प्यार, हाँ जो जरा सी परेशानी में तुम्हारा साथ छोड़ गया। और एक बात बताओ, तुम तो बहुत प्यार के दावे कर रही थी है ना, कि वो तुम्हारे साथ शादी कर लेगा, तुम्हें खुश रखेगा, और पता नहीं क्या क्या बोला तुमने। लेकिन एक बात बता, क्या वो प्यार सच में प्यार होता है जो तुझे तेरे माँ बाप से अलग कर दे? और उसकी शक्ल देखी थी, वो लड़का अपने घर पे बात तक नहीं करना चाहता तेरे बारे में। वो यहाँ से ले जाके पता नहीं क्या हॉल करता तेरा। इसमें तेरी गलती नहीं है, इसमें गलती है तो तेरी उम्र की। अपनी उम्र तो देख, छोटी बच्ची है तू, और तुझे हर वो इंसान सच्चा लगता है जो तुझसे प्यार से बात करने लगता है। थोड़ा दिमाग से काम लिया कर, तू मेरी बहन है, और इस तरह से इंसान पहचानने में गलती मत कर। ये उम्र तेरी पढ़ाई लिखाई की है, और मैं खुद तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं खुद तेरी शादी कराऊंगी। तू जिस लड़के से बोलेगी उस लड़के से शादी कराऊंगी, लेकिन इस लायक तो हो जा, अपने माँ बाप का, अपनी बहन का नाम तो रोशन कर ले। पर उससे पहले तू करेगी ना तो समाज थूकेगा तुझ पे, और तुझ पे तो थूकेगा ही। और सोचा है उन बूढ़े माँ बाप का जो गांव में बैठे हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, रिश्तेदारों में हमारी थू थू हो जाएगी दिव्या। और तूने बिल्कुल नहीं सोचा, सिर्फ एक लड़के के ऊपर आके पूरा परिवार दांव पे लगा दिया। लेकिन ये गलती दोबारा ना हो इसलिए मुझे तेरे लिए कदम उठाना पड़ेगा। आज के बाद तेरा स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन और इस घर से निकलना बंद। दीदी ऐसा मत बोलो प्लीज, दीदी मेरी बात तो सुनो प्लीज। चल अंदर दीदी। दीदी